हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाकर ही खुश हो जाएंगे और बार बार ये नाश्ता आप बनाना पसंद करेंगे। काफ़ी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आज के नाश्ते को हम बनाएंगे काले चने से। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स एक कटोरी जो है वो काला चना लिया है, जिसको कि भिगा लिया था और ये 2 से 3 दिन तक के हो गए हैं, जिसे चने अंकुरित भी हो गए हैं। आप तुरंत इसे 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चने को फ्रेंड्स उबालने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है, कच्चे चने से ही हम ये नाश्ता बनाएंगे। तो इस चने को हम मिक्सर जार में डाल करके पीसेंगे। यहाँ पे मैंने जार में चने को डाल दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो बहुत पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही पेस्ट इसका हम रखेंगे। तो इस तरीके से पेस्ट को गाढ़ा रखना है। तो इसे अब हम एक मिक्सर बाउल में निकाल लेते हैं चने के पेस्ट को। काफ़ी टेस्टी बनेगा फ्रेंड्स, प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी भी नाश्ता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कटोरी सूजी और साथ में 2 से 3 चम्मच दही। इसी के नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनता है, तो दही हमें बहुत खट्टी नहीं लेनी है, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो खट्टा खट्टा लगने लगेगा। तो अब सूजी को चने के पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी पानी नहीं डाल रही हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चने को पानी से डालकर पीसा था और दही भी है। तो अभी इसको मिक्स करके रख देते हैं और बाद में अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का फुल्का पानी डालेंगे। तो इसे अब हम 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो 5 से 6 मिनट फ्रेंड्स हो चुके हैं। देखिए जो बैटर था पहले से थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है। तो अगर आपको ज़्यादा सूखा लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, पतला नहीं रखना है बैटर को हमें। मैं यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो बैटर है वो एकदम ठीक है, सही है, न तो सूखा है न तो बहुत पतला। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हल्दी पाउडर, इसे कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और साथ में 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लिया हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 छोटा टमाटर, जिसका कि बीज निकाल लिया है, साथ में 1 बारीक कटी हुई प्याज और छोटा सा शिमला मिर्च। तो सब्जियाँ आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आप बिना सब्जियों के भी इसे बना सकते हैं। तो हल्का सा मैं यहाँ पानी ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ डालने के बाद थोड़ा सा ये ड्राई लग रहे हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब्जियाँ भी अपना फ्लेवर चने के साथ छोड़े और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनेगा फ्रेंड्स, और काफ़ी हेल्दी होने वाला है, और साथ में बहुत कम तेल का भी बनेगा। यहाँ पे बैटर अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तड़का। तड़के से ये काफ़ी टेस्टी लगता है, तो सिंपल सा तड़का है। डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब तेल अच्छे से हो गया है गर्म, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा और साथ में 1/2 चम्मच राई। तो दोनों को क्रैकल होने देते हैं। तड़के से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नहीं चाहती तड़का लगाना तो बिना तड़के के भी इसे आप बना सकती हैं। और ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस बैटर में तड़के को डाल के छोड़ देना है और इसे अच्छे से
मिला लेना है। तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा खाने का सोडा, जिससे हमारा नाश्ता फुला फुला सा बने। तो जितना सिंपल है ये नाश्ता फ्रेंड्स, उतना ही टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी है। काला चना भी है और साथ में सब्जियां भी हैं, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होने वाला है। तो बैटर रेडी हो गया है। अब हमने लिया है यहाँ पे एक अप्पे पैन और उसके खानों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगा फ्रेंड्स, ये थोड़े से ही तेल में हमारा जो है वो टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार होगा। तो बैटर को थोड़ा थोड़ा सारे खानों में डाल देना है और लो फ्लेम पे इसे हम अच्छे से सिकने देंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके। ऊपर का जो इसका लेयर होता है वो काफ़ी क्रंची होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। तो अब इसे हम ढक देते हैं और अच्छे से सिकने देते हैं। तो 5 मिनट बाद फ्रेंड्स हम इसे खोल देंगे और इसे दूसरी साइड पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से सिक जाए। काफ़ी अच्छा कलर आता है और खाने में बहुत ही क्रंची लगता है। तो इस तरीके से सारे अप्पे को हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से इसे उलट पलट करके सेकेंगे। काफ़ी कम समय में और हेल्दी नाश्ता हमारा बनके तैयार होता है। तो देखिए कितना बढ़िया से कलर आया है। तो तैयार है फ्रेंड्स हमारे काले चने और सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो टेस्टी हेल्दी भी है और बनाना काफ़ी इजी है। बच्चे हो या बड़े सभी के लिए ये प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी नाश्ता है जिसे आप झटपट बना सकते हैं। तो देखिए अंदर से बहुत ही सॉफ्ट लग रहता है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब